Hello students, welcome to our very first lecture of ACCA Financial Accounting course. My name is Dipali and I'm in ACCA. ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है. What is accounting? Okay, so accounting basically एक प्रोसेस है. It's a process for recording, summarizing and analyzing all the business transactions. एक बिजनेस है. लेट सपोज मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, एक सोल ट्रेडर हूं. ठीक है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है. अब इस बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है. ठीक है, अब इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं फ्रॉम रिलेटिंग टू परचेजेस, सेल्स, क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रेंट, सैलरी, एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी यूटिलिटी बिल्स, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना. उनको कैसे रिकॉर्ड करना? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना. ठीक है, एंड देन उन सब ट्रांजेक्शन को समराइज करना. ठीक है, समराइज क्यों करना है इन सब ट्रांजेक्शन को समराइज इसलिए करना है ताकि ये पता चल सके कि जो बिजनेस है उसका कितना प्रॉफिट है. जो मैं उसमें सो सोल ट्रेडर हूं, मैंने पूरे साल में जितनी भी मेरी परचेजेस हुई, जितनी भी मेरी सेल्स हुई, और जितने भी मेरे फर्दर एक्सपेंसेस हुए या मेरी कोई अदर इनकम्स हुई, उन सब से मुझे सालाना एनुअल कितनी इनकम, एनुअल कितना प्रॉफिट हुआ, एनुअल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ. ठीक है, ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सब ट्रांजेक्शन को जो मैंने रिकॉर्ड किया है, हर डेट पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए होंगे, हर दिन पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए होंगे. अच्छा, ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक के बाद एक. ऐसा नहीं कर सकती मैं कि मैं पहले फर्स्ट फेब का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूं और उसके बाद मैं 29 जनवरी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूं. ऐसे नहीं, पहले 29 जनवरी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और फिर उसके बाद फर्स्ट फेब का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा. ठीक है, सो एक ऑर्डर में सिस्टमैटिकली सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना और फिर उसको एनालाइज करना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं. ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं. अब अकाउंटिंग करनी क्यों है? अकाउंटिंग इसलिए करनी है ताकि ये पता चल सके कि एक बिजनेस को ईयर एंड पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. ठीक है, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, उसने साल भर इतनी मेहनत करी तो उसका फल क्या निकला. ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग करनी है. अगर अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसे पता कैसा चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? वो तो पूरा मेस्ड अप हो जाएगा सिचुएशन. वो बस खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है. उसने कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा. अब अगर रिकॉर्ड नहीं रखा तो उसको पता कैसे चलेगा कि कितने पे बेचा, कितने पे खरीदा. ओके, सो इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत है ताकि क्या कर सके? प्रॉफिट और लॉस निकाल सके. ठीक है, देन क्या कर सके? उसकी फाइनेंशियल पोजिशन पता चल सके. फाइनेंशियल पोजिशन से मेरा क्या मतलब है कि उसकी एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है ईयर एंड पे. जब उसका एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, एक पूरा साल जब उसका खत्म हो जाता है 12 महीने का जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो उस खत्म होने की डेट पे, एट द ईयर एंड पे, उसका क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, मतलब उसके पास कितने की एसेट्स और कितने की लाइबिलिटीज है. एसेट से मेरा क्या मतलब है? एसेट से मेरा ये मतलब है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है. राइट, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, उसको किन किन लोगों से पैसा लेना है, उसके पास कितना कैश पड़ा है, कितना हाथ में कैश है, कितना बैंक में कैश है. राइट, वैसे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज ये हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, जब हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज. जब हम ये स्टार्ट करेंगे तब हम इसको एसेट्स और लाइबिलिटीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो एसेट्स का क्या मतलब हुआ? अभी के लिए ये समझ लो उसकी कितनी क्या प्रॉपर्टीज है और क्या रिसीवेबल्स है. ठीक है, ईयर एंड पे क्या क्या प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उसके पास रिसीवेबल्स कितने हैं, उसके पास कैश कितना है. और लाइबिलिटीज मतलब, लाइबिलिटीज का मतलब है जो उसको बाहर वाले लोगों को पैसा देना है.
ठीक है, उसको बाहर वाले लोगों को कितना पैसा देना है, उसका क्या मतलब हुआ लाइबिलिटीज। तो एक ईयर एंड पे उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके पास खुद के पास कितना पैसा है और उसको कितना देना है, राइट। सो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? अकाउंटिंग हम इसलिए कर सके ताकि कंपनी क्या बना सके, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बना सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना सके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बना सके। और फिर इन स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कौन करता है, कौन करता है इनको यूज, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनको कौन यूज करता है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको जिनको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी है, उसके लिए क्या होगा, पब्लिक कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, राइट। अब जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स क्या हो गए, उसके स्टेक होल्डर्स हो गए, जिस जो कंपनी ने इस कंपनी में, पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं वो उसके शेयर होल्डर्स हो गए। कुछ ऐसे लोग होंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे जिनको करना है इन्वेस्ट, तो जिनको इन्वेस्ट करना है तो उनको पहले पता होना चाहिए ना कि कंपनी कंपनी क्या प्रॉफिट कमाती है, कंपनी डिविडेंड्स पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो, राइट। तो इसीलिए ये वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं। मान लो इस पब्लिक कंपनी इंप्लॉइज है, इंप्लॉइज को पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही, कि क्या, ताकि वो उसकी सैलरी, उन लोगों की सैलरी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसे ही कंपनी के लेंडर्स होंगे, लेंडर्स मतलब मान लो कोई बैंक है, बैंक ने इस कंपनी को लोन दे रखा है, तो बैंक को ये जानना है कि कंपनी कंपनी लोन पे कर पाएगी कि नहीं पे कर पाएगी, जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है वो पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ओके। अकाउंटिंग और क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ताकि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कहीं फ्रॉड हो रहा है वो पता चल सके, कोई एरर हो रहा है, कोई गलती की जा रही है कहीं पे वो पता चल सके, ठीक है। सो फ्रॉड्स एंड एरर्स को पता करने के लिए भी अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। अब हम एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं एंड इवेंट्स, एंड देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, जब हमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, पहले हमने रिकॉर्डिंग करी, फिर हमने क्लासिफाई किया उनको अलग अलग अकाउंट्स में, फिर उनको समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, फिर हमने क्या किया, उसके बाद उनको एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज कैसे करते हैं, रेशियोज निकाल के एनालाइज करते हैं कि कंपनी की, कंपनी का डेट रेशियो कितना है, कंपनी का गेयरिंग रेशियो कितना है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ये हम इवेंचुअली सब, ये जितनी भी चीजें मैं अभी बोल रही हूँ ये इवेंचुअली सब लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए अकाउंटिंग, ये इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड बाय एन एंटिटी और बाय अ बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, ये भी है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल एज द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस टू बी पेड, ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉफिट पे टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, जो प्रॉफिट होता है कंपनी को उस पर क्या करना पड़ता है, टैक्सेशन अथॉरिटीज को टैक्स भी पे करना होगा, जो भी टैक्स रेट्स होंगी उस हिसाब से। तो जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं पता होगा तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगी, राइट। जब मुझे प्रॉफिट नहीं पता होगा तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगी, तो ये टैक्सेस को पे करने के लिए भी क्या है, अकाउंटिंग की होनी चाहिए, प्रॉफिट्स पता होने चाहिए, ओके। सो देयरफॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ओके okay? अच्छा अब सुनो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ओनर है एंड जो बिजनेस है, द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज मैं एक बिजनेस चालू कर रही हूं जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब मैं ये बिजनेस चालू कर रही हूं तो मैं एबीसी लिमिटेड से सेपरेट हूं, ओनली फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगली हम एक ही हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक हैं, ठीक है।
लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट हैं। इसका मतलब मेरे कोई अगर पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं अपने घर का रेंट पे कर रही हूँ, तो मैं उसको बिजनेस के रेंट में इंक्लूड नहीं करूंगी, ठीक है। सो जो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होगी। मान लो अगर मैंने ट्रेड करने के लिए कोई जगह रेंट पे ले रखी है, तो जो उसका मैं जो रेंट पे कर रही हूँ वो मैं इंक्लूड करूंगी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पर मैं अपने घर का जो रेंट पे कर रही हूँ वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। ओके, सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, हाउएवर लीगली वो एक ही होते हैं, लीगली कोई एक ही होते हैं। मान लो मैंने किसी कस्टमर को गलत माल बेच दिया, अब वो कस्टमर किसको स्यू करेगा, वो मुझे स्यू करना चाहता है, तो वो किसको स्यू करेगा, वो बिजनेस को स्यू करे या वो मेरे को स्यू करे, वो एक ही बात है, राइट। वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम है, ओनर एंड द बिजनेस, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। तो जब उसको स्यू करना होगा तो वो मुझे स्यू करेगा, वो मुझे बोलेगा कि मैंने उसे गलत माल बेचा, अल्टीमेटली तो मैं ही ओनर हूं ना उस बिजनेस की। ओके, चलो मूविंग फर्दर। ओके, अब हम ये दो क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये सही है, पॉइंट नंबर वन इज करेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर इंटरनल यूज। अब देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, दो तरीके की अकाउंटिंग्स होती हैं, एक तो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, किसके लिए होती है, एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इंटरनल यूज के लिए। अभी हम इन दोनों के पूरे डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नली जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है उनके लिए होती है। वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, मेरे सप्लायर्स हो गए, मेरे सप्लायर्स जानना चाहते हैं कि मैं उनको पे कर सकती हूँ कि नहीं पे कर सकती टाइमली, तो वो ये देखना चाहते हैं कि वो मुझे कितना कितना टाइप का, कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दें, 3 मंथ्स का दें, 1 मंथ का दें, 2 मंथ का दें, ठीक है। सो वो किस लिए होती है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये किसके लिए होती है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, ओके, और इंटरनल यूज के लिए क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो इस वाले क्वेश्चन में ए विल बी द करेक्ट आंसर, वन ओनली। ओके, मूविंग फर्दर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? मेन पर्पस क्या होता है, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये तो है ही। टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, नहीं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। टू इनेबल प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन, यस, अल्टीमेटली तो यही होता है। हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम अल्टीमेटली बाद में जाके क्या प्रिपेयर कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सके, ठीक है, क्या प्रिपेयर कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट बनता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ये भी है पॉइंट, लेकिन इसने पूछा मेन पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस तो यही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि टू इनेबल प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अल्टीमेटली जो पॉइंट नंबर डी है और पॉइंट नंबर ए है वो सी में इंक्लूड हो ही गया, ठीक है, सो दैट इज द मेन पर्पस। चलो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मतलब है कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल उसकी क्या प्रॉफिट है एंड क्या पोजीशन है, राइट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। मान लो एक कंपनी है, उसकी 4 प्रोडक्ट लाइंस है, ठीक है, 4 प्रोडक्ट लाइंस है, मान लो एक तो कॉस्मेटिक्स हो गया, एक परफ्यूम्स हो गया, एक कुछ लेट्स से मेडिकल रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लाइन है उसकी,
और एक चलो तीन प्रोडक्ट लाइंस मान लेते हैं, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट लाइंस है एक कंपनी की। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन तीनों तीनों प्रोडक्ट लाइंस को, इनको नाम नहीं देती हूं मैं, ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों प्रोडक्ट लाइंस का उसको अलग से सेपरेटली उसको क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट चाहिए होंगे कि एक तो क्या प्रोडक्ट लाइन की इसकी क्या सेल्स है, ठीक है, इसकी क्या सेल्स है, इसकी क्या सेल्स है, इसकी क्या परचेज है, इसकी क्या परचेज है, इसकी क्या परचेज है, ठीक है। इनकी कॉस्ट क्या है, हर चीज की कॉस्ट, डिटेल्ड कॉस्ट क्या है, ठीक है, इस पे क्या डिटेल्ड कॉस्ट है, इस पे क्या डिटेल्ड कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं इस पे सेपरेटली, इस प्रोडक्ट लाइन पे सेपरेटली कितना रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, टेलीफोनिक बिल्स आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, इसमें कितनी है, इसकी प्रोडक्शन में कितनी है, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत डिटेल्ड होती है, बहुत डिटेल्ड, और वो हर प्रोडक्ट लाइन को अलग से एनालाइज कर सकती है, प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज कर सकती है, ज्योग्राफिकली एनालाइज कर सकती है, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी पे, ठीक है। अब इसीलिए ये क्या होती है, इंटरनल यूज के लिए होती है, ये क्या होती है, इंटरनल यूज के लिए होती है। इंटरनली इसको कौन यूज करेगा, मैनेजमेंट यूज करेगी, कंपनी की मैनेजमेंट इसको यूज करेगी, क्यों, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके, अप्रोप्रिएट क्या ले सके, डिसीजंस ले सके। मान लो अगर ये प्रोडक्ट लाइन सी है, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट लाइन सी मान लो बहुत ज्यादा लॉस करता है, लेकिन ए और बी तो प्रॉफिट में है, तो कंपनी क्या लेगी, डिसीजन लेगी, और क्या होता है कि इसके इसके लॉस की वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है, इसके बिकॉज ऑफ सी के लॉस की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कंपनी का कम हो जाता है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि वो तीनों लाइंस को बंद करेगी, नहीं, वो एनालाइज करेगी ना कि कौन सी लाइन किस लाइन की वजह से लॉस आ रहा है, ये सी जो सी प्रोडक्ट लाइन है इसकी वजह से लॉस आ रहा है, ये नहीं इतना अच्छे से मार्केट में चल रहा, तो वो क्या करेगी, इस प्रोडक्ट लाइन को क्लोज करेगी, किसको, सी को क्लोज करेगी। तो वो क्या करेगी, इस बेसिस पे वो डिसीजन ले पा रही है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंट्स अवेलेबल हैं, उसको सेपरेटली सब पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, सी की सेल्स कम है और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से इतना सारा लॉस इनकर हो रहा है, तो वो एक क्या लेगी, डिसीजन लेगी इस प्रोडक्ट लाइन को बंद करने का, ओके। सो इसीलिए ये क्या होता है, इंटरनल यूज के लिए होता है। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये जो मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं वो मंथली प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, मंथली, इनको मंथली प्रिपेयर किया जाता है, और फिर क्या होती है, एक मीटिंग भी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक मीटिंग भी होती है मंथ एंड पे, जिन पे इन अकाउंट्स को डिस्कस किया जाता है, इन अकाउंट्स को डिस्कस किया जाता है ऑन अ मंथली बेसिस। कुछ छोटी कंपनी होगी तो उसमें क्वार्टरली होगी, बट यूजुअली जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनमें मंथली मंथली इसको बोलते हैं MIS प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ये सारे अकाउंट्स होते हैं। कौन प्रिपेयर करता है, इनको अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग डिपार्ट अलग अलग लेट से हर प्रोडक्ट लाइन का एक अलग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, वो इसकी प्रिपेयर करेगा, और फिर वो लोग बैठ के आपस में मंथ एंड पे डिस्कस करेंगे कि इस महीने की कितनी सेल्स हुई, इस महीने की कितनी कितनी कॉस्ट कितनी परचेजेस हुई, कहाँ कॉस्ट हाई थी, कहाँ कॉस्ट लो थी, ठीक है, ये सब को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इसीलिए इसको मंथली प्रिपेयर किया जाता है और इसको एनुअली प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनको ऑडिट भी किया जाता है, बट ये जो MIS होते हैं इनको इनका ऑडिट नहीं होता, ओके, इनका ऑडिट नहीं होता है। चलो अब हम एक बार सारे डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं इनके बीच के। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज, दीज आर प्रिपेयर्ड एनुअली, दीज आर प्रिपेयर्ड मंथली, कंसर्न्ड विद ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजिशन, कंसर्न्ड विद ईच प्रोडक्शन लाइन्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द कंपनीज बोथ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को, prepared for internal use of the management, formulating strategies, planning, controlling activities, optimizing the use of resources, okay, chalo, okay, ab accounting mein kya kya elements hote hain, sabse pehle hum kya karte hain, record karte hain, kya karte hain, record, pehle to sabse pehle identify karte hain ki company mein kya kya transactions hai, fir usko record karte hain, kaise, सबसे पहले हर हर ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री पास होती है,
ठीक है, क्या होती है, जर्नल एंट्री पास होती है। फिर उस जर्नल एंट्रीज को कहां पोस्ट किया जाता है, लेजर्स में पोस्ट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। फिर अगर कुछ एरर्स होते हैं तो उनको करेक्ट किया जाता है। ये सबसे पहले ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस निकलता है, ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि कहां कहां क्या क्या एरर्स हैं, उन एरर्स को करेक्ट किया जाता है और ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद फाइनल ट्रायल बैलेंस निकलता है। इस फाइनल ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, इस फाइनल ट्रायल बैलेंस से बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ये सब, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड देन नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, ये पांचों की पांचों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। सो ये जो ट्रायल बैलेंस, ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस बनाना, देन फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाना, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समराइजिंग। इसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। सो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन यूजर्स हैं, ये जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी और हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, तो इनके यूजर्स कौन कौन है, इनके यूजर्स हैं, एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स पब्लिक कंपनी के केस में कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स बोलो, या तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे जिनको इन्वेस्ट करना है कंपनी में उसके शेयर्स खरीद के, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या जानना होगा भाई, उसको ये जानना होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है ये फालतू है कि वाकई में कंपनी कुछ काम कर रही है, क्या कंपनी की एबिलिटी है टू पे अस द डिविडेंड्स, क्या वो हमें डिविडेंड्स पे कर सकती है। ओके, देन मैनेजमेंट होती है कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी की केस में जो मैनेजमेंट होती है, या फिर जो मैनेजमेंट हो गया, या फिर बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स को और क्या बोलते हैं, मेंबर्स। ये जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब इनको शेयर होल्डर्स बोलो, इनको ओनर्स बोलो, मेंबर्स बोलो, एक ही बात है, लेकिन ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, इनका काम है सिर्फ पैसा लगाना। ठीक है, तो कंपनी को मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट करती है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पूरी टीम होती है वो करती है। ठीक है, मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं आप उसको। अब तो मैनेजमेंट एक तरीके से कंपनी को रन कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट को क्यों चाहिए ये यूजर, वो क्यों, उसको क्यों चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट को इसलिए चाहिए ताकि वो क्या ले सके, साउंड डिसीजंस ले सके, ताकि वो स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर सके, वो प्लान कर सके सारी बिजनेस एक्टिविटीज, उनको प्लान एंड कंट्रोल कर सके बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, इसीलिए उनको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर एम्प्लॉइज को ये जानना है कि कंपनी सैलरी पे कर पाएगी कि नहीं पे कर पाएगी। ठीक है, कस्टमर्स को देखना है कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी, क्या प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, क्या वो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। सप्लायर्स को ये देखना है कि सप्लायर्स को बेसिकली ये जानना है कि जो कंपनी को उन्होंने क्रेडिट पीरियड दिया है, क्या वो उस क्रेडिट पीरियड के अंदर अपने उनके जितने भी जो भी पेबल है वो पे कर सकती है कि नहीं पे कर सकती, कंपनी की कैपेसिटी है कि नहीं है पे करने की। फिर लेंडर्स को भी सेम चीज जानना है, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, सॉल्वेंसी मतलब पेइंग कैपेसिटी, उनकी जो पेइंग कैपेसिटी वो है कि नहीं है, वो उनको लोन तो दे देगी पर अगर वो कंपनी जो उनको लोन वापस पे ही नहीं कर पाए तो। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में टैक्सेशन अथॉरिटीज, राइट, टैक्सेशन अथॉरिटीज को भी तो ये जानना है ना कि ये जो टैक्सेस उन्होंने पे किया है वो किस बेसिस पे किया है। ओके, ऐसे कॉम्पिटिटर्स को भी चाहिए और इन पब्लिक को भी चाहिए। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। ओके, पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरीली फॉर एक्सटर्नल यूज एंड मैनेजमेंट अकाउंट आर प्राइमरीली फॉर इंटरनल यूज, ये पॉइंट करेक्ट है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड एनुअली एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड मंथली, ये भी करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन मैनेजमेंट अकाउंट्स। ओके,
और डी पॉइंट क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स डू नॉट नॉर्मली हैव एन एक्सटर्नल ऑडिट, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो डी जो है वो इनकरेक्ट है. डी क्या है, इनकरेक्ट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन मैनेजमेंट अकाउंट. जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलतियां हो सकती है, मैनेजमेंट अकाउंट्स में भी गलतियां हो सकती है, राइट. सो दिस इज नॉट द डिस्टिंक्शन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है ये. सो सी पॉइंट क्या है, गलत है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजर ग्रुप इज लाइकली टू रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉइज. सबसे डिटेल्ड किसको चाहिए, मैनेजमेंट को. क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो कंट्रोल कर रही है ना सारे के सारे कंपनी के डिसीजंस को, वो कंट्रोल कर रही है, वही प्लान करेगी, वही कंट्रोल करेगी, वही सारी स्ट्रेटजीज बनाएगी, तो उसको एक एक चीज की डिटेल चाहिए कंपनी में क्या हो रहा है. इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी यही देखना है कि भाई टैक्सेशन किस बेसिस पे किया है अगर टैक्स अथॉरिटी है तो. ओके, एम्प्लॉइज को भी यही देखना है कि सैलरी पे कर पाएगी कि नहीं पे कर पाएगी. लेकिन मैनेजमेंट को क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, तो इसीलिए मैनेजमेंट को सबसे डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए. ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी. अगर मैं बिजनेस एंटिटी की टाइप्स की बात करूं तो मेजरली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है. एक तो हो गया सोल ट्रेडर, जिसको और क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है. देन पार्टनरशिप एंड देन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. ठीक है, अब सोल ट्रेडर में क्या होता है, सोल ट्रेडर के केस में भाई एक ही बंदा है, वो अकेले ही ओनर है, वही ओनर है, वही कंपनी का मैनेजर है, मतलब द एंटायर शो ऑफ दैट बिजनेस इज रन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन. ओके, जो पूरा पूरा शो है उस बिजनेस का राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो कौन है, वो सिर्फ एक ही अकेला बंदा है, ठीक है. वही ओनर है, वही सब कुछ मैनेज कर सकता है, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है. पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जब दो लोग मिलके पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को शुरू करते हैं. एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में मिनिमम तो दो मेंबर्स होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी, मिनिमम दो चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. ओके, अच्छा, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, देखो सोल ट्रेडर में सबसे, सोल ट्रेडर में क्या होता है, ये इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑफ द ओनर. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर का क्या मतलब है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर मीन्स कि मान लो बिजनेस को फ्यूचर बिजनेस ने, मतलब इसके बिजनेस ने खूब सारा लोन ले लिया, ठीक है, मार्केट से खूब सारी लोन्स ले ली, खूब सारी लाइबिलिटीज ले ली, और इसके तो खूब लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को. अब वो क्या कर रहा है, अब वो उन लॉसेस को पे नहीं कर पा रहा, राइट. उसको क्या नहीं कर पा रहा, पे नहीं कर पा रहा. तो इसका मतलब अब ओनर के पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाता है, मतलब उसका खुद का घर यूज किया जा सकता है टू पे ऑफ दैट डेट. तो उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं. सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ओके, पार्टनरशिप में अब लेकिन देखो जितना भी प्रॉफिट होता है वो भी सोल ट्रेडर का ही होगा. अब उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है दैट विल बिलोंग जस्ट टू हिम, ठीक है. हाँ, वो अपने अंडर लोगों को, इम्प्लॉइज को रख सकता है, इम्प्लॉइज को रख सकता है जिनको वो सैलरी देगा, लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग दोस सैलरीज दैट विल बिलोंग टू हुम, दैट विल बिलोंग टू दिस सोल ट्रेडर. पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब दो या तीन जितने भी पार्टनर्स हैं, वो जो भी प्रॉफिट है या वो लॉस है उसको वो एक प्री अग्रीड रेशियो में डिवाइड करते हैं. और वो प्री अग्रीड रेशियो कहां लिखा हुआ होगा, उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा. जब उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी होगी उससे पहले एक डीड बनाई होगी, उस डीड में लिखा हुआ होगा कि वो जो प्रॉफिट है वो 50-50% लेंगे, या फिर जो लॉसेस हैं, प्रॉफिट या लॉसेस होंगे 50-50% में लेंगे या 30-70 के रेशियो में लेंगे. दैट विल डिपेंड, वो जो भी उनका डीड का टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से लेंगे. लेकिन पार्टनरशिप के केस में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सब पार्टनर्स की. क्या होती है, अनलिमिटेड. मान लो अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है तो फिर दोनों की पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा, दोनों की पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा टू पे ऑफ दैट डेट, ठीक है. लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में क्या होता है
कभी भी जो जो भी उसके ओनर्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी उनके ओनर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी को, कंपनी की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, कंपनी की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स को नहीं यूज किया जाएगा. कभी भी उनके पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करेंगे. उन्होंने जितना कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही यूज होगा टू पे ऑफ दैट डेट, राइट, टू पे ऑफ दैट डेट. अपार्ट फ्रॉम दैट उन कभी भी उनके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा टू पे ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटी. ठीक है, इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. लेकिन सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के केस में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. ठीक है, अब हम एक बार इनके सारे डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहले सोल ट्रेडर क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है. पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज सिंपलर देन दी एलएलसी. लेकिन जो एलएलसी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स और फॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, बहुत फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ये. ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन, ओनर में सिर्फ वन ओनर होता है बट ही कैन एम्प्लॉय एज मेनी एज एम्प्लॉयज ही वॉन्ट. पार्टनरशिप में मिनिमम टू पार्टनर्स, मैक्सिमम एज मेनी. लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में मिनिमम टू एंड मिनिमम टू शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम एज मेनी. लाइबिलिटी की बात करें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है फॉर सोल ट्रेडर. इसका क्या मतलब है, पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ कंपनीज डेट. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ कंपनीज डेट्स. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू पे ऑफ कंपनीज डेट्स. अब लीगल स्टेटस की बात करते हैं. लीगल स्टेटस में, लीगली मैं बात कर रही हूं, मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूं, मैं लीगल स्टेटस की बात कर रही हूं. सो लीगल स्टेटस में ओनर्स एंड बिजनेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ओनर्स एंड बिजनेस आर सेम, विच मीन्स देयरफॉर कंपनी कैन नॉट स्यू और बी स्यूड बट ओनर कैन डू दैट. ठीक है, कंपनी किसी को स्यू नहीं कर सकती. मान लो कि उनकी कंपनी जो उसकी जो कंपनी है वो किसी को स्यू नहीं करेगी. उसकी कंपनी का नाम है एबीसी. सो एबीसी कंपनी विल नॉट स्यू एनीबॉडी. ओके, ABC company will not sue anybody, but the owner can sue it. Owner अपने supplier को sue कर सकता है गलत माल देने के लिए. ऐसे ही जो supplier है वो owner को sue कर सकता है उस supplier non-payment के केस में. Okay? So legal point of view से बात करें तो sole trader में owner and business are the same entity. Similarly, partnership के केस में owners and business are same entity. Owners and the partners are what? The same entity. The partners and the business are not separate and they are one entity. Lekin, limited liability ke case mein, company jo hai, wo legally alag hai. Company aur jo uske shareholders hai, ya jo uske owners hai, ya jo members hai, wo alag hai. Wo kya hai? Dono alag hai. Company khud, ABC limited jo hai, वो किसी किसी सप्लायर को क्या कर सकती है, स्यू कर सकती है. कंपनी अपने नाम पे स्यू कर सकती है, ओनर्स के नाम पे नहीं, कंपनी खुद के एबीसी लिमिटेड के नाम से किसी को स्यू कर सकती है और कंपनी को भी कोई स्यू कर सकता है. ठीक है, ये किस केस में बात हो रही है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात हो रही है. ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. सो फुल्ली बिलोंग्स टू द ओनर. इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसका होता है, ओनर का होता है. ओनर का जब मन करे वो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, वो जब चाहे वो कुछ विड्रॉ भी कर सकता है. तो जो भी विड्रॉ कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ऐसे ही जो पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट है लॉस है उसको एक प्री अग्रीड रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी रेशियो है एंड कैन डू ड्रॉइंग्स एज वेल. लेकिन इसके केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में कोई प्रॉफिट विड्रॉ नहीं होते. ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, चलो चलो निकाल लो, ऐसा नहीं होता. उनका उनका जो भी रिटर्न है वो उनको किस फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स मिलेगा. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चंस. विच वन स्टेटमेंट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज ट्रू. ओके, बोथ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर एबल टू ओन एसेट्स इन देयर ओन नेम. नो, पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो है वो खुद के नाम पे ले सकती है. पार्टनरशिप किसके नाम पे लेगी, ओनर के नाम पे. किसके, ओनर के नाम पे होंगे. लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या हो सकती है, खुद के नाम पे, जो भी नाम है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड खुद के नाम पे क्या ले सकती है, एसेट्स खरीद सकती है. द मेंबर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वेर एज पार्टनर्स डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर पार्टनरशिप. नहीं, ये गलत है, उल्टा बोल रहे हैं ये लोग.
द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. यस, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स पार्टनर्स ही ओनर्स हैं और पार्टनर्स ही क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. ओके, वेयर इज मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यस, वो कौन करेगी? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में कौन पार्ट लेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो मैनेजमेंट है वो. ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं करेंगे. मैनेजमेंट का काम शेयर होल्डर्स का नहीं है या ओनर्स या मेंबर्स का नहीं है, वो किसका काम है? वो मैनेजमेंट का ही काम है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू अ सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर के केस में क्या ट्रू है? अ सोल ट्रेडर कैन नॉट हैव एनी इंप्लॉइज. ऐसा कुछ नहीं है, वो कितने भी इंप्लॉइज रख सकता है. अ सोल ट्रेडर इज एबल टू इंट्रोड्यूस और withdraw capital from the business at any time. Yes, ये true है. A sole trader has limited liability for the debts of the business. No, a sole trader can operate a business from only one location. नहीं, ऐसा थोड़ी, कितनी भी branches खोल सकता है, कितनी भी locations पे खोल सकता है. So B is correct. A sole trader is able to introduce or withdraw capital from the business at any time. ठीक है, चलो. Which two items would you expect to see included within the financial statements of a sole trader? अब देखो, sole trader के केस में कौन से words use किए जाते हैं? Capital and drawings. Capital का क्या मतलब होता है? Capital का मतलब होता है the amount invested by the owner in the business. और drawings क्या होता है? The amount withdrawn by the owner, amount or let's say goods withdrawn by the owner फ्रॉम द बिजनेस. तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं. तो एक सोल ट्रेडर के केस में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे क्या दिखेगा? कैपिटल दिखेगा और ड्रॉइंग्स दिखेगा. ये रिवैल्यूएशन सरप्लस और इशूड शेयर कैपिटल, ये सब आप बाद में पढ़ोगे. अभी नहीं. जैसे जैसे हम लेक्चर्स को कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है. ठीक है, ये वाला चैप्टर नंबर 13 का पार्ट है एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो आई थिंक सो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है. विच टू आइटम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इंक्लूडेड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप? डिविडेंड्स पेड नहीं, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे. डिविडेंड्स किसको पे करते हैं? देखो, पार्टनर्स जो होते हैं आपस में वो तो क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे. डिविडेंड्स किसको पे करते हैं? मेंबर्स को पे करते हैं. ठीक है, मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को पे करते हैं. तो ये आप चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे. कैपिटल अकाउंट्स, हाँ, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स होंगे. पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट होगा और पार्टनर बी का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट. सो बी पॉइंट इज करेक्ट. प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस. प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा गया है? 70-30, 50-50, 80-20, whatever. ठीक है, सो सी. शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं, ये भी नहीं. ये भी आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि शेयर प्रीमियम क्या होता है. ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ओके, अब सबसे पहले ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सो बेसिकली ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है. क्या है? एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिससे आप क्या कर सके, आप ये इंश्योर, आप आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का तरीका है, उसको क्या कर सके? रेगुलेट कर सके. क्या कर सके? रेगुलेट कर सके. रेगुलेट कर सके. और क्यों इसको रेगुलेट करना पड़ेगा भाई? हम क्यों करें? ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन है? ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा था, वेरियस स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनका क्या बढ़े? कॉन्फिडेंस बने, बढ़े इस इन स्टेटमेंट्स में. क्या बढ़े? उनका कॉन्फिडेंस कि ये जो बनाए गए हैं ये सही तरीके से बनाए गए हैं. ये क्या करे गए हैं? ये सही तरीके से बनाए गए हैं, सही एस्टिमेशंस यूज किए, सही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की गई हैं. ठीक है, सो इसीलिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो क्या करता है? मॉनिटर करता है, बेसिकली रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है. किसको? द प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो अलग अलग क्या होती है ACCA की, मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके लिए अलग अलग बॉडीज है. ये बॉडीज जो है वो देखती है कि ये जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं ये हाई क्वालिटी के हैं कि नहीं है. जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है और जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है उनके बीच में अलाइनमेंट है कि नहीं है.
ठीक है, तो अलग अलग बॉडीज का अलग अलग काम होता है. ओके, सो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. चलो अब एक बार हम पहले ये पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या करती है. एक तो वो इंश्योर करती है, टू इंश्योर दैट द नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेट, टू इंश्योर दैट द नीड्स ऑफ टू इंश्योर दैट द नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज बोथ कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल. जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं थ्रू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द ईयर्स, एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले साल में कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी थी, कोई अलग ही तरीके से कर रहे थे, इस साल कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, नहीं. ठीक है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं हुई तो उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे. भाई आपको किसी चीज को कंपेयर करना है तो वो क्या होनी चाहिए, वो सेम लेवल पे होना चाहिए. अब मैं एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, मैं एक एप्पल को दूसरे एप्पल के साथ ही कंपेयर करूंगी. सिमिलरली ऑरेंजेस को मैं ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करूंगी. ठीक है, अब एप्पल अपनी जगह है और ऑरेंज अपनी जगह है, दोनों को क्या कंपेयर करूं, नहीं, एक एप्पल को दूसरे एप्पल से. ओके, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये वाला एप्पल है, ये वाला इस लोकेशन से है, इसका कलर थोड़ा ज्यादा डार्क है, इसका कम है, व्हाटएवर, इसके शेप, ये प्रॉपर शेप में है, ये नहीं है. ओके, सो लाइक को लाइक के साथ कंपेयर करना है, तो वो मैं कब कर पाऊंगी, जब इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिस्टेंटली सही तरीके से प्रिपेयर की जा रही है. ओके, टू इंक्रीज यूजर्स कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. जो ये पूरा प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का, सो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ये क्या है, उस पूरे प्रोसेस में जो यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े. ओके, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कंपनीज एंड डायरेक्टर्स टूवर्ड्स देयर इन्वेस्टर्स. ठीक है, उनके जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स कौन है, शेयर होल्डर्स जो है, ठीक है, उनका बिहेवियर को वो रेगुलेट कर सके. ओके, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले. सो बेसिकली एफए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बात करते हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे, आईएफआरएस की बात करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आईएफआरएस एंड आईएएस. तो ये जो आईएफआरएस है एंड आईएएस है, इनको डेवलप कौन करता है, इनको डेवलप करता है आईएएसबी. ठीक है, कौन, आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. सो इनको डेवलप कौन करता है, ये आईएफआरएस वगैरह जो है इनको बनाता कौन है, कौन बनाता है, आईएएसबी. ओके, और आईएएसबी के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर एक बेटा है जिसको बोलते हैं आईएफआरएस फाउंडेशन, आईएफआरएस फाउंडेशन. So, ये IFRS फाउंडेशन क्या करती है, IFRS फाउंडेशन का ये काम है, ये देखना कि एक तो उसका ये काम है कि IASB जो कर रही है वो ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही, IASB को जो भी करना है उसके लिए वो प्रॉपरली फंडेड है कि नहीं, भाई उसके पास वो फंड्स हैं कि नहीं है. ठीक है, वो ये चेक करती है. ठीक है, वो ये देखती है कि जो स्टैंडर्ड्स जो IASB स्टैंडर्ड्स निकाल रही है वो हाई क्वालिटी के हैं कि नहीं है. ठीक है, फिर वो ये चीज चेक करेगी कि भाई देखो जो आईएफआरएस है वो क्या है, इंटरनेशनल है. ठीक है, सो ये जो स्टैंडर्ड्स वो निकाल रही है वो हर कंट्री के जो लोकल स्टैंडर्ड्स होंगे, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, उनके साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं है, मतलब उनके साथ उसका कोई कन्वर्जेंस है कि नहीं है. ठीक है, तो ये कौन करेगी, ये आईएफआरएस फाउंडेशन चेक करती है. ठीक है, कौन चेक करती है, आईएफआरएस फाउंडेशन चेक करती है. चलो एक बार हम आईएफआरएस फाउंडेशन और आईएएसबी के पार्ट में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन काउंसिल, सॉरी इंटरप्रिटेशन कमिटी और एक एडवाइजरी काउंसिल, इनके बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आईएफआरएस फाउंडेशन. अब देखो इसका काम क्या क्या है, टू डेवलप अ सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एनफोर्सिएबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, टू प्रमोट द यूज एंड रिग्रस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड्स. भाई ये स्टैंडर्ड सबको यूज करने हैं. ठीक है, एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जितनी भी कंपनीज है उनको ये सारे स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, अप्लाई करना है. टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड एसएमईज. एसएमईज क्या होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, उनकी क्या नीड्स है स्टैंडर्ड्स की, उनको भी कोई स्टैंडर्ड चाहिए होंगे अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, तो उनकी नीड्स को वो देखती है. टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, टू इंश्योर दैट ईच मेंबर बॉडी इज प्रॉपरली फंडेड. भाई आईएफआरएस एसी के पास, आईएएसबी के पास और आईएफआरएस आईसी के पास. आईसी क्या है, इंटरप्रिटेशन कमिटी.
इंटरप्रिटेशन कमिटी और एसी क्या है, एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल, इनके पास प्रॉपर फंड्स है कि नहीं, तीनों के पास अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसका क्या काम है आईएएसबी का, ये क्या करेगी, डेवलप करेगी एंड पब्लिक 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 सॉरी पब्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स एंड टेक व्यूज ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स इन टू कंसिडरेशन। तो जब ये आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को पब्लिश कर रही है तो ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे भाई, हर कंट्री के अपने अपने क्या होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे इंडिया का क्या है आईएएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो वो पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने वाले जितने भी नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स होंगे उनका क्या करेगी, उनका भी तो व्यू लेगी बिफोर वो कोई नया आईएफआरएस निकाल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमिटी, अब ये इंटरप्रिटेशन कमिटी क्या करती है, दे रिव्यू वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स ऑन टाइमली बेसिस अकाउंटिंग इश्यूज, सॉरी क्या करती है, रिव्यू करती है वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग इश्यूज, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, अब इश्यूज आ रहे हैं मान लो किसी स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या उस आईएफआरएस को चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो वो उन अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग इश्यूज होते हैं उनको पढ़ती है, उनको कंसिडर करती है, ठीक है, दे प्रोवाइड अथॉरिटेटिव गाइडेंस ऑन दीज इश्यूज, ठीक है, कैसे उन इश्यूज को रिजोल्व करना है वो बताती है, देयर मीटिंग्स आर ओपन टू बोथ पब्लिक एंड द बोर्ड ऑफ डिस्कशंस, इसका मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जाके इनको बोल सकते हैं, जो जो कॉर्पोरेट्स हैं जो जो स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस को अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी इशू है तो वो क्या कर सकती है, वो आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमिटी के साथ वो डिस्कस कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि भाई मैं इसको अपने कॉर्पोरेट में अपनी कंपनी में मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, ठीक है। अब आती है आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल ये क्या करती है, ये बेसिकली फॉर्मल एडवाइस देती है किसको, एक तो बोर्ड को देती है और फाउंडेशन को देती है, फाउंडेशन को और क्या बोलते हैं ट्रस्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रस्टी भी बोलते हैं, एडवाइस करती है, एडवाइसेस द बोर्ड ऑन एजेंडा डिसीजंस एंड प्रायोरिटीज इन देयर वर्क, उनको बताती है कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड पहले प्रायोरिटी है, ठीक है, उनको डिसीजंस लेने में वो हेल्प करती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड ऑफ द व्यूज ऑफ द काउंसिल विद रिगार्ड टू मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट, कोई बहुत स्टैंडर्ड उनको अप्लाई करना है, कोई नया स्टैंडर्ड है वो उनको लाना है, तो उससे रिलेटेड उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें उनको वो क्या करती है, हेल्प करती है, ओके। तो ये चार बॉडीज हैं आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, एक तो आईएफआरएस फाउंडेशन, दी फाउंडेशन इज ऑन द टॉप, देन क्या है आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, बोर्ड का क्या काम है आईएफआरएस को निकालना, डेवलप करना उसको, डेवलप करना किसको, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, ठीक है, देन आईएफआरएस अकाउंट आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल है एंड देन आईएफआरएस आईसी है इंटरप्रिटेशन कमिटी, ओके। सो इंटरप्रिटेशन कमिटी क्या करती है, वो बेसिकली अकाउंटिंग इश्यूज को कंसिडर करती है, जो जो अकाउंटिंग इश्यूज आ रहे हैं किसको, बोर्ड को भी आ सकते हैं, बोर्ड को भी आ सकते हैं और पब्लिक को भी आ सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कमिटी क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है तो वो कमिटी से डिस्कस कर सकते हैं, उनको उसकी एप्लीकेशन में वो लोग हेल्प कर सकती है, ओके। चलो लेट्स डू दीज क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल is responsible for, IFRS advisory council kis kis ke liye responsible hai, to give advice to the IASB or the trustees kisko bolte hai, foundation ko, theek hai, to give advice to the IASB on agenda decisions, yes, ye humne dono cheeze abhi padhi thi, unko decisions lene mein wo help karti hai, advice deti hai, okay, so both 1 and 2 are correct. For each of the following statements relating to the IASB's conceptual framework for financial reporting, the framework, identify whether it is true or false. The conceptual framework is a financial reporting standard. Nahin, ye koi standard nahi hai conceptual framework. It's just a framework. Theek hai? So false. But isko ye koi standard nahi hai. Ye koi standard thodi hai ki bhai iski accounting aise honi chahiye aur iski accounting aise honi chahiye. Nahin. The conceptual framework assists in harmonizing global accounting policies, practices, yes. True. The conceptual framework assists national standard setters to develop national standards. Yes. True. The conceptual framework assists users of financial information to interpret financial statements. Yes. Through interpretation committee. Right.
सो ये तीन पॉइंट्स करेक्ट है और ये वाला गलत है. चलो मूविंग फर्दर. अच्छा अब बात करते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो फेयरली प्रेजेंटेड कब होंगे? फेयरली प्रेजेंटेड अगर मैं बोलूं तो वो कब होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फेयरली कब प्रेजेंटेड होंगे? देखो जब वो मीट करते हैं, जब वो मीट करते हैं रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस. इससे क्या मतलब है मेरा? रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन से मेरा क्या मतलब है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है, माइनिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है. ठीक है, उनका काम है माइनिंग करना. ठीक है, अब उस कंट्री, जिस कंट्री में वो लोग माइनिंग करते हैं, उस कंट्री का लॉ बोलता है कि जब आपकी माइनिंग खत्म हो जाए, जब आपकी माइनिंग क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपने जितना भी डैमेज किया है एनवायरमेंट को उसको आप क्या करिए, उसको आप रीपे कीजिए. ठीक है, उस डैमेज को आप सही कीजिए. तो अगर कंपनी इस लॉ को मानती है, इस रेगुलेशन या इस रूल को मानती है, तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फेयरली प्रेजेंटेड होंगे. कैसे? क्योंकि वो उसने जो एनवायरमेंट को ठीक करने पे खर्चा किया होगा वो भी वो उसमें इंक्लूड करेगी. राइट, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इंक्लूड करेगी. ओके, सो इसीलिए वो उसको क्या करना चाहिए, उसको रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को क्या है, मानना है. ठीक है, दूसरा रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स को मानना है. रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, अगर वो सारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग करेगी तो उसके क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फेयरली प्रेजेंटेड होंगे. और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगे, क्वालिटेटिव. जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो क्या होगी, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, फेयरली प्रेजेंटेड होंगे. अब ये जो उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट रीड दिस थिंग. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट प्रेजेंट फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. दे कैन बी फेयरली प्रेजेंटेड व्हेन दे कंप्लाई विद. वो फेयरली प्रेजेंटेड कब होंगे, जब वो कंप्लाई करेंगे विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, कंप्लाई विद द रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, when the financial statement possesses the qualitative characteristics as given by the framework. अब qualitative characteristics क्या है, देखो अब framework ने जो qualitative characteristics दिए हैं वो दो तरीके के दिए हैं. ठीक है, So, पहला क्वालिटी, दो टाइप्स क्या है, एक तो होता है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो इसका मतलब वो फेयरली प्रेजेंटेड है. अब फंडामेंटल में भी दो कैटेगरीज आती है फर्दर, एक तो आती है रेलेवेंस. ठीक है, एक तो हो गया रेलेवेंस और दूसरा होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. अब रेलेवेंस का क्या मतलब है? रेलेवेंस का मतलब है व्हेन इट हैज दी, जब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, व्हेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज दी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स. जब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, उसके अंदर एक एबिलिटी है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एक एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस व्हाट, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स. तो इसका मतलब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रेलेवेंट है. भाई जब उसने वो फाइनेंशियल, जब उस यूजर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े और उसने देखा कि अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ है, अरे वाह अच्छा, मतलब कंपनी का टर्नओवर भी अच्छा है और प्रीवियसली भी पिछले साल भी इतने अच्छे बढ़िया प्रॉफिट्स हुए, तो क्या वो इन्वेस्ट कर सकती है इस कंपनी में? हाँ कर सकती है. जब उस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने देखा तो ठीक है, उसने खरीद लिया उस कंपनी के शेयर्स. तो उसने क्या किया, उसका जो डिसीजन था, डिसीजन ऑफ द यूजर, उसको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया. राइट, तो वो क्या हो गए, रेलेवेंट हो गए. अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कंप्लीट है. कंप्लीटनेस है उस इंफॉर्मेशन में. कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जितने भी नेसेसरी ट्रांजैक्शंस उसमें होने चाहिए थे, नेसेसरी ट्रांजैक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्लोजर्स होने चाहिए थे, वो सब उसमें है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट है. मान लो किसी साल में उसका पूरी की पूरी जो है उनकी एक बिल्डिंग जल गई, तो अगर वो बताती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि यार देखो ये पूरी बिल्डिंग जल गई तो इसकी वजह से उनको 6 महीने क्लोज करना पड़ा,
क्योंकि मतलब उनकी फैक्ट्री जल गई तो 6 महीने क्लोज करना पड़ा, उनको वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, वो फेथफुल है, वो बता रही है, वो ये नहीं बोल, उसने इस बात को छिपाया नहीं है कि 6 महीने उनका जो काम था वो बंद पड़ा था, राइट। सो उस काम वो बंद पड़ा था तो उसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स अफेक्ट हुए, तो उसने इस बात को छिपाया नहीं, तो इसका मतलब कंप्लीटनेस है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, न्यूट्रैलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, न्यूट्रैलिटी। न्यूट्रैलिटी का मतलब क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस, फ्री फ्रॉम बायसनेस। फ्री फ्रॉम बायसनेस इसका क्या मतलब है, कई बार क्या करती है मैनेजमेंट, क्या करती है मैनिपुलेट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्यों, ताकि वो अपना क्या कर सके, प्रॉफिट्स बढ़ा सके। क्योंकि कभी कभार मैनेजमेंट्स को क्या मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, कमीशंस मिलती है, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, विच इज बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट्स, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करेगी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना कमीशन इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपना बोनस क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो इसीलिए वो क्या होना चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस होने चाहिए, ठीक है। एंड देन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर, फ्री फ्रॉम एनी एरर्स, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। मटेरियल एरर्स नहीं होने चाहिए, मटेरियल एरर्स से मेरा क्या मतलब है, देखो एक तो होता है इमटेरियल एरर और दूसरा होता है मटेरियल एरर। मटेरियल एरर मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट एरर, ऐसा एरर जिसकी वजह से जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका जो डिसीजन है वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो मटेरियल हो जाएगा, वो मटेरियल एरर हो जाएगा, ठीक है। और इम मटेरियल, अच्छा चलो ठीक है, 1000 से कम रेंट एक रिकॉर्ड कर लिया तो वो इम मटेरियल हो गया। एक कंपनी जो मिलियंस में प्रॉफिट कमाती है, अगर उसने 1000 का रेंट नहीं रिकॉर्ड किया, सो विच इज इम मटेरियल वॉट इम मटेरियल इन कंपेरिजन ऑफ दैट मिलियंस ऑफ प्रॉफिट दैट इट इज अर्निंग। बट ऐसे ही एक कंपनी है, वो सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट कमाती है साल में, और उसने 1,000 का रेंट इंक्लूड नहीं करा, तो उसके लिए तो ये मटीरियल हो गया, राइट। सो मटीरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और वो डिपेंड करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी पे। किसी के लिए कुछ मटीरियल होगा तो किसी के लिए वो मटीरियल नहीं होगा, किसी के लिए वो इमटीरियल होगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड वॉट, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है, फेटफुल रिप्रेजेंटेशन होगा इसकी वजह से किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो फेयरली प्रेजेंटेड होंगी, ठीक है। और इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कंपेरेबिलिटी, कि जिस तरीके से इनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनको कंपेयर कर सके, उनको प्रीवियस कंपनी अपने प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सके, कंपनी उसको किसी और के, उनके कॉम्पिटिटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके, ठीक है। सो उसमें कंपेरेबिलिटी का एक फीचर होना चाहिए, ठीक है। देन वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी का मतलब भाई वो उसको किसी चीज से वेरीफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैश का अमाउंट है, कैश इन हैंड, ठीक है, अब जब उसको वो वेरीफाई करने जा रही है तो क्या एक्चुअली में भी कैश इन हैंड उस डेट पे उनके पास उतना था, तो उसको वेरीफाई कर रही है, उसको वो उसके वाउचर्स से वेरीफाई कर सके, तो वेरीफेबिलिटी होनी चाहिए भाई, वो उसको ट्रेस डाउन कर सके टू द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, ओके। फिर आ गया टाइमलीनेस, इसका क्या मतलब है कि जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको टाइमली प्रिपेयर किया जाना है, ऐसे नहीं कि एक साल का अकाउंट एक पीरियड का जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अगले साल जाके 5वें 6वें महीने में प्रिपेयर किया, फिर तो वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कोई काम ही नहीं आएगा, राइट। उनको तो आज डिसीजन लेना था ना, उनको आज डिसीजन लेना था, आज तो अवेलेबल ही नहीं थे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो टाइमलीनेस होनी चाहिए, और दूसरा क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजिली अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये सारे क्या है, ये चारों कंपेरेबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये चारों क्या है, ये चारों है इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लेकिन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, एक तो आता है रेलेवेंस और दूसरा आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट तब होंगे जब वो क्या कर सकते हैं, व्हेन इट हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट व्हाट, टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब उसमें कंप्लीटनेस होगी, न्यूट्रैलिटी होगी, न्यूट्रैलिटी का मतलब फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस एंड देन फ्री फ्रॉम एनी एरर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बोल रहा है, सेम चार्ट इधर भी बना हुआ है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स The principle of faithful representation in relation to the preparation of the annual financial statements. Okay,
ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड एंड ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड एनी वे दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, नहीं. ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं. मैक्सिमाइज थोड़ी करना है, लॉस हुआ है तो लॉस दिखाओ, ऐसा थोड़ी कि लॉस हुआ है फिर भी उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाओगे, ये गलत है. ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज एसेट वैल्यूज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं. आप अपनी कंपनी के एसेट्स को ज्यादा दिखा रहे हो और कंपनी की लाइबिलिटीज तो बोल रहे हो आप कम है, ये भी गलत है. ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड टू रिफ्लेक्ट देयर कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन रादर देन देयर लीगल फॉर्म, यस दिस इज करेक्ट. इसका क्या मतलब है, कमर्शियल सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म. देखो ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक अकाउंटिंग लीगल फॉर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जो जो क्या बोलता है कि आप किसी ट्रांजैक्शन का लीगल फॉर्म मत देखो बट आप उसका कमर्शियल सब्सटेंस देखो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये वैसे तो हम बाद में एक बाद में हम चैप्टर नंबर 13 जब हम करेंगे तब हम ये देखेंगे इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, ठीक है, तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. सो कमर्शियल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म क्या बोलता है कि आप ये मत देखो कि वो लीगली क्या है, ठीक है, बट वो एक्चुअली में क्या हो रहा है आप ये देखो. ओके ये पढ़ते हैं हम. The economic substance, substance over form क्या बोलता है, the economic substance of transactions and events must be recorded. भाई उसकी वजह से कितना business में inflow, outflow हो रहा है आप उसको देखो, उसका economic substance क्या है. Economic substance of transactions and events must be recorded in the financial statement rather than just their legal form in order to present true and fair view of the affairs of the entity. ठीक है, true and fair view of the affairs of an entity. अब देखो जो redeemable preference shares है वो basic तो एक तरीके के shares ही हैं. क्या है वो, shares है, और उसको किसकी उसको हम किसकी तरह treat करना चाहिए, legally उसको equity की तरह treat करना चाहिए, but उसका जो commercial substance है, मतलब उस redeemable preference shares में जो उसके terms and conditions होते हैं कि उसको repay करना, उसको redeem करना है after 5 years, उस पे इतना फिक्स डिविडेंड पे करना है, तो ये जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसकी एक लोन की तरह है, राइट, एक लोन की तरह है, तो इसको किसकी तरह ट्रीट करो, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज एन इक्विटी. ओके, वैसे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, सो फॉर नाउ जस्ट लीव दिस पॉइंट. नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, जब हम ये करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कमर्शियल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का क्या मतलब होता है. ओके, अब बात करते हैं मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का क्या मतलब होता है, अब ये हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अब हमने चालू कर लिए. सो एन आइटम इज रिगार्डेड एज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट इज लाइकली टू चेंज द परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज दे मे मेक इन अप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड अपॉन द मिसस्टेटेड इन्फॉर्मेशन. Consideration should be given to the user's decision that will be based on the reliability of the financial information. देखो materiality क्या बोलता है, materiality बोलता है कि एक transaction या एक item या एक event वो material कब हो सकता है, अगर उसका omission from the books of accounts या उसका misstatement from the books of accounts क्या दिखाता है, क्या करता है, change कर देता है user का perception. For example, मैंने एक building खरीदी, ठीक है, और मैं गलती से उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गई. मैंने 50 मिलियन की एक एसेट खरीदा और मैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गई, तो इससे क्या हुआ, जो मेरे एसेट्स हैं वो कम दिख रहे हैं, वो क्या दिख रहे हैं, मेरे एसेट्स जो हैं वो कम दिख रहे हैं, तो जो मेरे एसेट्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम दिख रहे हैं तो वो जो क्या कर रहा है, उसकी वजह से जो मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अरे इनके पास तो एसेट्स ही नहीं है, नहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, इनकी इनकी नेट इनकी जो एसेट पोजीशन है वो बहुत खराब है. ओके, सो ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया, ये क्या हो गया, मटेरियलिटी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को. सो मटेरियलिटी क्या बोलता है कि अगर किसी चीज के ओमिशन या मिसस्टेटमेंट की वजह से वो अगर उसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो परसेप्शन है या जो उसका डिसीजन है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है, तो उस आइटम को क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे. चलो अब आता है, एक आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस बेसिस पे प्रिपेयर करना है कि ये जो बिजनेस एंटिटी आज जो ये बिजनेस एंटिटी है वो
वो हमेशा के लिए चलेगी, दैट इट विल रन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर. मैं जब तक सोच सकता हूँ वो बिजनेस एंटिटी तब तक चलेगी. तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं. किस बेसिस पे? दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ट्रेड, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो मतलब वो मैन्युफैक्चर करेगी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर. ठीक है, मतलब वो हमेशा क्या करती रहेगी, वो चलती रहेगी. ये एक अजम्पशन है जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन. तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे प्रिपेयर करने हैं, दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ट्रेड फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर. मतलब दैट इट हैज नाइदर द नीड नॉर द इंटेंशन टू लिक्विडेट और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स ऑपरेशन. इसका मतलब कंपनी आज जो चालू हुई है, ये कंपनी चालू हुई है और ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम आगे भी चलते रहेंगे. ठीक है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को वाइंड अप करने की. देयर इज नो इंटेंशन टू वाइंड अप द बिजनेस या फिर इसके ऑपरेशंस को कम करने की. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. अब आ जाते हैं द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट शुड बी रिलेटेड ओनली टू द बिजनेस. ठीक है, दैट शुड नॉट रिलेट टू द ओनर. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है. This principle means that the financial accounting information presented in the financial statement relates only to the activities of the business and not to that of the owner. From an accounting perspective, the business is being treated as separate from its owners. Chalo, moving further, accrual accounting. Accrual accounting kya bolti hai? Dekho, accrual accounting ye bolti hai कि देखो हमें अकाउंटिंग दो तरीके से होती है. एक तो होती है कैश बेसिस पे और एक होती है अक्रूवल बेसिस पे. कैश बेसिस क्या बोलती है? कितना कैश आया, कितना कैश गया. सो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू नेट. इन दोनों का नेट जो होगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा. अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, मतलब बिजनेस में कम आ रहा है और लेकिन पैसा ज्यादा जा रहा है तो लॉस है, और बिजनेस में ज्यादा आ रहा है और कम जा रहा है तो वो प्रॉफिट है. लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग क्या बोलती है कि अकाउंटिंग आपको अक्रूवल बेस पे करने है. भाई आप रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड कर लो व्हेन इट इज अर्न्ड. आप रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करोगे व्हेन इट इज अर्न्ड, वेदर द कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट. आपने गुड्स बेच दिए, अब आपकी कस्टमर ने आपको पैसे दिए या ना दिए कोई बात नहीं. आपने तो गुड्स बेच दिए, आपने अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया, आप इसको रिकॉर्ड कर लो वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करो जब आपने इनकर कर लिए, वेदर आपने कैश पे किया या नहीं किया. भाई इस महीने आपको रेंट पे करना था तो आप इस रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपने कैश में पे किया या आपने कैश में नहीं पे किया. सो इसको क्या बोलते हैं? अक्रूवल अकाउंटिंग बोलते हैं. वैसे हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, आई डोंट रिमेम्बर द चैप्टर नंबर, बट चैप्टर का नाम है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स. जब हम ये चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में ये समझ में आ जाएगा. द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यूज आर अर्नड, डजंट मैटर वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट. एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इज पेड और नॉट. द कॉन्सेप्ट इज दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड टुगेदर एंड डेल्ट विद इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द पीरियड टू विच दे रिलेट रिगार्डलेस ऑफ द पीरियड इन विच द कैश वॉज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड. कब कैश रिसीव हुआ कब नहीं रिसीव हुआ उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, वो जिस पीरियड में है बस उसमें उसको डाल दो, जिस पीरियड से रिलेटेड वो रेवेन्यू है, वो एक्सपेंसेस हैं, आप उसको डाल दो. ठीक है, देन अदर द कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कि जो आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो ना वो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे करो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेप्रिसिएशन का कोई मेथड चूज कर रखा है, ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल आपने सोच रखा है कि आप जो डेप्रिशिएट करोगे वो SLM पे करोगे, तो आप उसको ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली SLM पे करो. ऐसा नहीं कि आप एक साल SLM पे कर रहे हो, एक साल WDV पे कर रहे हो, फिर आप एक साल SLM पे कर रहे हो, फिर WDV पे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, कंसिस्टेंटली एक ही मेथड अप्लाई करो अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉट डूइंग इट ऑन SLM एंड फॉर डूइंग इट ऑन WDV. ठीक है, सो कंसिस्टेंसी पे होनी चाहिए. ठीक है,
सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिटेन्ड फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. ठीक है, अनलेस देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस और अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू IFRS स्टैंडर्ड. ठीक है, अगर सर्कमस्टांसेस जब तक चेंज नहीं हो रहे तब तक आप SLM से WDV पे मत आओ. SLM पे कर रहे हो SLM पे करो, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ना इन्फॉर्मेशन को भाई, आपको ट्रेंड जानना है अपने प्रॉफिट का कि पिछले साल अगर मुझे 10% प्रॉफिट था तो इस साल मेरा जो प्रॉफिट है वो भी 10% या 10% प्लस होना चाहिए. लेकिन अगर मैं अपना मेथड चेंज कर देती हूँ और वो 10 से 20 हो जाता है तो इनकंसिस्टेंट हो गया भाई. ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे एकदम से 10% का हाइप मिल गया प्रॉफिट में, राइट? या फिर अगर कोई नया स्टैंडर्ड नहीं आ जाता, अगर कोई नया स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको ऐसे करना है, तब तक आप उसको चेंज मत करो. ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन रिलेट नॉट ओनली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट बट ऑल्सो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड. इवन एक अकाउंटिंग पीरियड में भी वो सिमिलर होना चाहिए, सो दैट सिमिलर ट्रांजेक्शन आर अकाउंटेड फॉर इन अ सिमिलर वे. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, बट ऑल्सो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड का. ठीक है, लेट सपोज मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज बिल्डिंग्स हैं ए बी और सी. अब एक पे तो मैं डेप्रिसिएशन मेथड लगा रही हूँ SLM, एक पे लगा रही हूँ WDV और एक पे लगा ही नहीं रही डेप्रिसिएशन. क्यों नहीं लगा रही मैं डेप्रिसिएशन, और क्यों मैं एक पे WDV लगा रही हूँ और एक SLM पे लगा रही हूँ? गलत है ना, ये तो कंसिस्टेंट होना चाहिए भाई. मेरा जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जो भी मेथड है, वो मुझे तीनों पूरी क्लास ऑफ एसेट पे सेम ही अप्लाई करना है, पूरी क्लास ऑफ एसेट पे सेम ही अप्लाई करना है. ये जब हम कौन सा चैप्टर है, दिस इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट. ये जब मैंने दिस इज वैसे तो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने दिया है आपको ये नॉन करंट एसेट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, विच इज चैप्टर नंबर 7 और 8. जब हम ये पढ़ेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे कंसिस्टेंट होगी और कैसे वो कंपेरेबल होती है. ठीक है, फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने एक साल में जो रेवेन्यू जो आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं टू अर्न दैट रेवेन्यू, वट एवर एक्सपेंसेज यू हैव डन इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, यू नीड टू इंक्लूड इट इन दैट अकाउंटिंग, इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग एम्फेसाइज दैट द एक्सपेंसेज इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, ऐसा नहीं करोगे आप कि आप फ्यूचर का भी रेवेन्यू इसमें डाल दो, इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में डाल दो. नहीं, फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में रहेगा, ये वाला इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में रहेगा. ठीक है, रेवेन्यू जो इस साल का है वो इस साल में रहेगा और इस साल के अगेंस्ट में उसके जितने भी एक्सपेंसेस है वो होंगे, या इस साल के अगेंस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस है उसके साथ में जो भी मैंने उस एक्सपेंसेस के चक्कर में मैंने जो भी रेवेन्यू अर्न किया है वो इसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए. The expenses incurred to earn the revenues must belong to the same accounting period. Okay? चलो ये अगेन ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा accruals and prepayments वाले चैप्टर में. चलिए अब ये questions करते हैं. Which of the following statements defines the business entity concept? Business entity concept क्या बोलता है? द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, ये तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलता है. ठीक है, सो दिस हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अ बिजनेस इज ऑलवेज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज हु ओन और मैनेज दैट बिजनेस. ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस का टाइप है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो दोनों कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर्स से अलग होगी, बट अगर सोल ट्रेडर है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक ही है, या फिर पार्टनरशिप में भी वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है, राइट? सो नहीं, ये भी नहीं. अ बिजनेस इज नेवर अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दोज हु ओन और मैनेज दैट बिजनेस. नहीं, अगेन विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस. देन द डी पॉइंट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस रादर देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द
ऑफ द ओनर्स और मैनेजर्स ऑफ द ऑफ दैट बिजनेस. यस. सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना. ठीक है. सो आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा. देन द क्वेश्चन सेज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच डिक्टेट्स दैट नॉन करंट एसेट्स should be valued at cost unless accumulated depreciation rather than at their enforced saleable value is understandability, relevance, comparability, going concern. तो इसका आंसर है going concern. क्यों है इसका आंसर going concern? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नॉन करंट एसेट है उसको हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और एवरी ईयर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. ठीक है. तो जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, हम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, SLM, WDV. ठीक है. और हम डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज करते हैं, जब तक उसकी उस एसेट की यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ तक. अगर मुझे लगता है कि आज ये बिल्डिंग है ये 30 ईयर्स तक चलेगी तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन 30 ईयर्स तक लगाऊंगी. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक मोटर व्हीकल है, एक गाड़ी की मुझे पता है कि एक गाड़ी 7 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी, मिनिमम तो एक या दो होगा, मतलब 5 to 7 years चलती है, तो मैक्सिमम 7 से ज्यादा वो नहीं चल पाएगी गाड़ी, तो उसपे मैं डेप्रिसिएशन 7 ईयर तक का लगाऊंगी क्योंकि मैं अभी से एस्टिमेट कर रही हूँ उस चीज को कि ये 7 साल तक गाड़ी चलेगी. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है इसलिए ये. ठीक है. वैसे जब आप ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना ये सब हम वैसे भी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 विच इज रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स. ओके. तब और क्लियर हो जाएगा ये आपको. ठीक है. तो अब ये चैप्टर, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ. ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जो कि है एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती है, कैपिटल क्या होता है. ठीक है. और फिर हम एसेट्स के टाइप पढ़ेंगे कि एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट. सिमिलरली लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी. फिर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन को कैसे बिजनेस में अकाउंट उसको रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. सो ये सब हम कब पढ़ेंगे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में शुरू करेंगे. ठीक है. मीनवाइल आप प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा और जो जो आज हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर हमने फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, क्या क्या उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़े, फिर हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा था वो भी प्लीज रिवाइज कीजिएगा, देन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े थे कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं और अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. सो इस सब लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा कवर किया. ठीक है. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ कापलान वो हमने इस लेक्चर में कवर किया. सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. मीनवाइल प्लीज कीप रिवाइजिंग इट. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे.